और बजट, केंद्रीय बजट और केंद्रीय बजट में बिहार, इस पर हम सब आज बात करने वाले हैं जो पहले से आपको विदित है। 2024 का बजट यह फिर से साबित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। केंद्र के बजट में बिहार को जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, आज विरोधियों को नींद नहीं आ रही और बिहार के विषय में देश में चर्चा की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने बिहार के विकास को, बिहार के सम्मान को प्राथमिकता दिए है। केंद्रीय बजट 2047 का भारत कैसा भारत हो, जिसका सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देखे हैं, उसका प्रतिबिंब है, उसका आधार है। 2047 का भारत जब देश अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तो फिर अपना भारत कैसा हो? अभी विकासशील भारत उस समय का भारत, 2047 का भारत विकसित भारत हो, और दुनिया में प्रति व्यक्ति आए सबसे ज़्यादा भारत का, ऐसा भारत जो विवेकानंद की सपनों को पूरा करता हुआ भारत हो। विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा, कोई बेबस नहीं होगा। जीवन तो ऐसे सुख दुख के दो पहियों से चलता है, लेकिन आम व्यक्ति को भी यह अधिकार हो कि वह भूखे नहीं रहे, बच्चे उसके ठीक से पढ़े, उनके पास भी घर हो, और किसी प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आए तो उसकी व्यवस्था में माननीय मोदी जी की योजना, माननीय मोदी जी की नीति सहायक हो। आज विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, अभी जो सदी चल रहा है वो 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में भारत के लिए जो भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की थी, उस भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र, यानी बचपन के नरेंद्र जो विवेकानंद बने, उस नरेंद्र की भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री जी को विकास का भगीरथ भी कहा जाता है। गरीब के मसीहा तो है ही, करोड़ों घर बनवाने के बाद फिर कोई बेघर न रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 3 करोड़ और नए घरों के निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी है। कोई भूखा नहीं रहे, प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना आगे भी चलती रहेगी। आयुष्मान भारत से जो इलाज गरीबों का होने प्रारंभ हुए थे मोदी 2 की सरकार में, वह मोदी 3 की सरकार में भी चलती रहेगी, तत्परता से चलेगी, और यह गरीबों के लिए एक वरदान है कि उसके घर में कोई बीमार पड़े तो उनको 5
लाख तक की राशि उनको इलाज के लिए प्राप्त। अपने बुजुर्गों को सम्मान, किसी को सीखना हो तो अपने प्रधानमंत्री जी से सीखे, बुजुर्गों की चिंता प्रधानमंत्री जी की चिंता अपनी चिंता की तरह है। उन्होंने 70 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के लिए आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आयुष्मान योजना के तहत उनका भी इलाज होगा। केंद्रीय बजट ऐसा बजट है जिसकी सराहना दुनिया में हुई है। प्रधानमंत्री जी ने उस बजट में किसानों के लिए यानी अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया है, हमारे चारों क्षेत्र के लोग के जीवन में खुशी आएगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह बड़ा दृष्टिकोण है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं अब इस जिसमें उन्होंने चार चिन्हित किया है क्षेत्रों को, वर्गों को, उस चार समाज को जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, ऐसा उन्होंने यह कल्पना की, इसमें इतनी मजबूती है। यह सत्य है कि रोजगार तभी मिलेगा जब औद्योगिकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा, उनको उद्योग लगाने के लिए सस्ते दर ऋण दर पर उनको पूंजी मुहैया कराई जाएगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले इसको रेखांकित किया है अपने बजट में, अपने वित्त मंत्री जी के द्वारा। आज बिहार के बजट में, केंद्र के बजट में जो बिहार है, मैं आपको थोड़ा उसमें बताना चाहूँगा, आप सब जरूर गौर करेंगे। बजट को देखिए, वर्ष 2009 से 2014 के दौरान बिहार को कितना केंद्रीय पूंजी मिली थी, 1132 करोड़ मात्र। और 2024-25 में बिहार को इससे कई गुना, यानी इसको जब पूरा आप जोड़ेंगे तो जरा और किस किस मदों में मिला है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। दो हजार 13-14 में कृषि के क्षेत्र में बिहार को मात्र 27,662,00,000 रुपए मिले थे, 27,000 करोड़। पूरे देश का मैं बता रहा हूं। और अब मिला है देश के बजट की, मैं पहले चर्चा कर लूं तो मैं बिहार के बजट की चर्चा करूंगा। 2013-14 में भारतीय बजट में उस समय यही घमंडिया गठबंधन के लोगों की सरकार थी, उसमें मात्र 27,662 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में दिया गया था, जो अब 2024 में बढ़कर 1,51,000 करोड़ रुपया हो गया है, कई गुना की वृद्धि है।
मुफ्त अनाज के क्षेत्र में 2,13,000,00,000 करोड़, आयुष्मान कार्ड में 2013 में से 14 में शून्य था, आज 13 करोड़ कार्ड 30 करोड़ कार्ड हुआ बंटवारा हुआ है और 55 करोड़ इसके लाभार्थी है, यानी 55 करोड़ लाभार्थी में से 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह कार्ड प्राप्त हो चुका है। यहाँ गरीबों के लिए जो घर बनाया जाता था उसमें 2013-14 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो अब 84,670 करोड़ रुपए हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं में 2013-14 में 74,419 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो 2024 में बढ़कर 2,65,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला कल्याण में 2013-14 में 97,134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो 2024 में 3,27,000 करोड़ महिला कल्याण के लिए दिया गया है। जब इसको हम देखेंगे तो किस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए, महिला कल्याण के लिए, युवा कल्याण के लिए यह राशि दी गई है। यहाँ बिहार के संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ख्याल रखा है बिहार के लिए बुनियादी ढांचों के विकास से लेकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के 3 एक्सप्रेस वे के तौर पर जिसको पूर्ण किया जाएगा, जो खास तौर पर पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर बोध गया वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण 26,000 करोड़ रुपए से किया जाएगा, 26,000 करोड़। और महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का केंद्र सरकार की योजना जो है यह ऐतिहासिक फैसला है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुराना गौरव फिर से हासिल हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। राजगीर के लिए बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक प्रयास करेगी। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके जरिए लाखों लोगों को न सिर्फ अस्थायी रोजगार मिलता है बल्कि इसके इलाकों की तीव्र गति से विकास भी होता है और वह विकास का मूल मंत्र भी साबित होता है। बजट में रोजगार सृजन का विशेष ध्यान दिया गया है, जिसकी हम चर्चा किए हैं। केंद्रीय बजट में रोजगार के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उस संदर्भ में बिहार को अगर हम देखें तो बिहार को संघ करो और शुल्कों की नेट प्रोसीड्स में कुल 1,25,444 करोड़ रुपए मिले हैं, 1,25,444 करोड़, जो 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014 और 2019 में बिहार को टैक्स हस्तांतरण में 107.13% बदलाव आया है, माने 107% से ज्यादा का बदलाव आया है। इसी अवधि में केंद्र सरकार के ग्रांट इन एड में 1,19,119,000
119% का बदलाव आया है, यानी 119% का बदलाव ग्रांट इन एड में आया है, 119%। इस बजट में बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में दिया गया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आने के कारण हमेशा समस्याग्रस्त रहता है, उसका समाधान निकले इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद की गई है। कोसी मेजी इंटर स्टेट लिंक बैराज नदी प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए भी इसमें सर्वे का प्रावधान किया गया है। अब बिहार को 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, यानी उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए की। यह पैसा क्या है, ब्याज मुक्त रहने का मतलब कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। और पहले जो व्यवस्था थी कि केंद्र राज्यों को जो अतिरिक्त पैसा देती थी सहयोग में उसका भी ब्याज लेती थी, अब कोई ब्याज नहीं लगेगा और बिहार को 12,000 से 15,000 करोड़ उनको मिलेंगे। गोरखपुर कैंप वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, इसके लिए 1,121 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस बजट में स्पष्ट रूप से है कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी की ओर से जो बजट 2024 में दिया गया उसमें देश की तरक्की है, बिहार की उन्नति है, युवाओं को रोजगार देने वाला है, किसानों का कल्याण करने वाला है, महिलाओं को सम्मान के साथ साथ उनको बहुत सारे अवसर प्रदान होने वाला है, जो महिलाएं भी हमारी माँ बहनें भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, गरीबों को अच्छी जिंदगी जीने का अवसर देने वाला है। तो यह बजट ऐसा है जो साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है और विकास के भगीरथ हैं। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश के और बिहार के कोने कोने, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, जन जन तक पहुंच रही है। और बिहार में एनडीए की सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से, और जो केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो पैसे दिए गए हैं, उस पैसे से बिहार तरक्की करेगा। विकास को नहीं होना है, विकास की ढोंग रचने वाले बिहार में जंगल राज स्थापित कर फिर जंगल राज लाने की सपना देखने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी जी और उनकी गोद में बैठी हुई पता ही नहीं चलता है कि संविधान को ताखे पर रखकर इस देश में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठे हुए में उनको कितना सुख आ रहा है। उसी कांग्रेस ने 1974 के आंदोलन में लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली, उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं। तो पता नहीं उनको उसमें थोड़ी भी लज्जा का ख्याल है कि नहीं, वैसे गोद में बैठे हैं। तो ऐसे महा घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। झूठ बोलने की आदत, परिवार के लिए ही राजनीति करने का संस्कार
बार बार भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता में आने के सपने अब बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार का वैभव चाहते हैं, बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस देश की जनता भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है। धन्यवाद। आज हमारे बीच केंद्र सरकार की ओर से माननीय श्री नित्यानंद राय जी केंद्रीय राज्य मंत्री बजट पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री नित्यानंद राय जी केंद्र में रहकर हर वक्त बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे हिस्सा मिले इस बात को तार्किक रूप से भी रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं पहले नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की चिंता केंद्र में रहकर करते हैं। इसके लिए पूरा बिहारवासी और सरकार की ओर से भी आपको हृदय से धन्यवाद दे। आपने अभी विस्तृत तौर पर बजट की चर्चा सुनी। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था पटना में अपने छात्र जीवन में, उस समय पटना में एक ही पुल होता था, चिरैया टाल पुल। आप लोग सब अभी जितने पत्रकार बंधु हैं यंग हैं और करीब करीब सब लोगों का उम्र 30-35 साल से ऊपर नहीं, पहले नीचे, लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे पटना में एक ही फ्लाईओवर होता था, पुल होता था, ब्रिज होता था, चिरैया का। एक दो आदमी सर हिला रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा होगा, लेकिन आज आप सिर्फ पटना में ही देखिए फ्लाईओवर और पुल की स्थिति क्या। ये विकास क्या वो 60-70 साल में नहीं कर सकते थे क्या? ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज के, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अफवाह उड़ाने का भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, सर मानी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन बेशर्म होकर फिर यही बात। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए, लेकिन आप इधर रूमर उड़ाते हैं, अफवाह उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई करें। तो यानी बजट के बारे में जो आज चर्चा हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार विकसित हो, देश विकसित हो, इसकी बात नहीं करेंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। तो आज माननीय नित्यानंद राय जी ने
आपको ये बताने का समझाने का प्रयास किया है कि कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में वर्ग में बांटने का काम करते हैं, और वहीं पर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है। और अगर फर्क किसी को नहीं देखना दिखाई पड़ रहा है तो आंख का इलाज करवा लें, चश्मा मिलता है चश्मा खरीद लें। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर है, थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। जो लोग स्कूल और कॉलेज तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके भावनात्मक बात करके समाज को बांध करके आज राजनीति करने की ताक में। इसलिए मैं आज नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का बिहार का विकास के लिए आप आवाज वहां उठाते रहिए, और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा जब आइए कुछ न कुछ बिहार के लिए सौगात लेकर के आइए। हमसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं खुद। और आज एक और अनुरोध मैं करूंगा कि छठ पर्व आने वाला है, मैं नित्यानंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि आप रेल मंत्रालय के साथ एक डेढ़ महीना पहले बैठकर एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में खाना है कि हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एनडीए सरकार ने खाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है, तो नित्यानंद जी यहां बैठे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी का आदेश है, मैं यह संवाद लेकर जरूर दिल्ली में पहुंचाऊंगा, और मुझको भरोसा है कि जो बिहारी छठ पर्व में यहाँ आना चाहेंगे ससम्मान उनको बिहार आने और फिर बिहार से अपने काम धंधों में या जहाँ भी रोजगार में है नौकरी वहाँ लौटने में उनको कोई असुविधा नहीं होगी, इतनी सुविधा प्रदान की जाए। मैंने ये बात इसलिए कहा कि बजट में जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है तो हमारे बिहारी भाई जो बाहर रहते हैं उनको ये एहसास हो कि अब पटना से पूर्णिया और किशनगंज जाने के लिए 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, वंदे भारत ट्रेन है, और पूरे बिहार का नया स्वरूप भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बदला है, हमारे बिहारी भाई हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं वो भी गर्व से कह सके कि हम बिहारी हैं। तो बजट का ये फायदा कि हमारे भाई बाहर में भी रहकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास होगा, इतना बड़ा स्पेशल पैकेज मिला है, और जो विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है या चश्मा लेने की जरूरत है, वो हमारे भाई आज उनको आकर के पूरे देश दुनिया में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार को आगे ले जा रहे हैं। बस इतना ही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। एक तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे 13 करोड़ बिहार वासियों की ओर से इस बजट में विशेष पैकेज देने के लिए और बिहार का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत आभार अभिनंदन। बंगाल के एक मंत्री हैं अखिल जी, उन्होंने एक अधिकारी को कहा है कि मेरे सामने चलने चलना है तो झुक कर चलिए, महिला अधिकारी हैं और ज्ञान जमाने की ड्यूटी भी है, क्या बंगाल में इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है? हम लोग फिर मिलेंगे ना। हाँ, फिर उस पर भरोसा है, आज बजट विश्वास है, मैं आपको बुलाकर मिलने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।